एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में, आपके पर्सन की एनर्जी मेरे लेफ्ट साइड में। जो भी व्यूअर्स सिंगल हैं अभी इस वक्त, आप किसी लव लाइफ किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ये है गाइज आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी तरफ पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स एंड द लवर्स। ओवरऑल एनर्जी आज के दिन काफ़ी लोग, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रोमांटिक वाइब्स में हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपकी वाइब्स में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सारे लोगों का यूनियन या तो अर्ली मॉर्निंग हो चुका है या रिसेंटली हुआ है इस रीडिंग के पहले। जिनका भी यूनियन इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग के पहले हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिनका भी यूनियन इस रीडिंग के बाद होगा वो भी कमेंट में बताना। इस रीडिंग को जब भी आप देखेंगे उसके बाद अगर सेम डे आपका यूनियन हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के दिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, होपफुल हो और आप रोमांटिक वाइब्स में हो। अगर आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो तो आपकी वाइब्स काफ़ी ऊपर है, हाईएस्ट वाइब्रेशन, बहुत हैप्पी एनर्जी है, मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, और ये मैं चाहती हूँ कि ये मुस्कुराहट आपकी बनी रहे हमेशा। इसके अलावा आज के दिन कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, पैसे से रिलेटेड कोई ब्लेसिंग्स या कोई गुड न्यूज़। साथ ही साथ आपके बॉस से रिलेटेड, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से रिलेटेड कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है, क्योंकि यहाँ बैड न्यूज़ की वाइब्स नहीं है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आज का दिन काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलने की चांसेस हैं। आपके पर्सन की तरफ से कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल जाए, या कोई आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत समय से चलती आ रही थी वो रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा सक्सेस की वाइब्स है, तो आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। आप आज जो काम करेंगे उसमें आपको जीत हासिल होगी, सक्सेस की वाइब्स है। अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई इम्पॉर्टेंट काम है, बिल्कुल आपके फेवर में ये चीज़ें जा सकती हैं। इसके अलावा आपके रिश्ते को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन काफ़ी लोगों का बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, या आपके घर में कोई फ़ीमेल है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है। स्पेशली ये मैच्योर फीमेल नज़र आ रही हैं, तो आपकी दादी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, ऐसी वाइब्स है, या फिर उनकी तरफ से कुछ ट्रिगर आपको मिलेगा लेकिन आप उसको पीसफुली रिजॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्स बहुत हाई है। जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है ना, तो अगर कोई लड़ने की कोशिश भी करे तो हम इग्नोर मार देते हैं, अरे छोड़ आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसी वाइब्स होती है। तो आज आपको लोग छेड़ने की कोशिश बहुत करेंगे, आपके घर वाले भी आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप किसी से झगड़ा लड़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप आज अपने ही मुस्कुराहट को बैलेंस करने में लगे हुए हो, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स है, पिक हो रही है एनर्जी। इसके अलावा कुछ लोगों की वाइब्स ऐसी है जैसे आप आज अपना फेवरेट कोई काम करने वाले हो। जैसे होता है ना, किसी का घूमना बहुत फेवरेट काम होता है, किसी का दर्शन पूजा करना बहुत फेवरेट काम होता है, किसी को फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना बहुत फेवरेट काम होता है, घूमना फिरना, मूवी देखना। तो आज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना फेवरेट काम करेंगे और काफ़ी हैप्पी वाइब्स में रहेंगे। एक मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है, अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो डिवोर्सी है या जिसका डिवोर्स का कोई केस चल रहा है कोर्ट कचहरी में, या आप विडो हैं या विडोअर हैं, आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है।
और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियली आप कमज़ोर हैं तो आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है किसी के रेफरेंस से, किसी अपने के रेफरेंस से, बट आपको मिल सकता है। इसके अलावा किसी की तरफ से आपकी तरफ फ्लर्ट किया जा सकता है, मींस आपको एक जेस्चर दिया जा सकता है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आगे बात करते हैं शादी को लेकर या फ्यूचर को लेकर, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों को किसी पब्लिक इमेज से या तो आपकी मुलाकात हो सकती है या किसी पब्लिक इमेज का सपोर्ट आपको मिल सकता है। बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की, आपके पर्सन की वाइब्स, किस वाइब्स में हैं आपके पर्सन। ओवरऑल एनर्जी वी हैव फाइव ऑफ वांड्स। ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं वो किसी ऑब्स्टिकल्स या किसी ऐसी सिचुएशन को पार करने की कोशिश करेंगे आज के दिन में, जिस सिचुएशन को ये बहुत पहले ही पार कर लेना चाहते थे बट पार कर नहीं पाए। यहाँ पर आप देख रहे हो एक बंदा है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको नीचे खींचने, उसको पीछे खींचने की तरफ काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में इनके खुद के कोई ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई इनके अपने हैं जो इनको ना नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे जैसे असेंड करने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लोग हैं जो इनसे जेलसी रखते हैं या इनका उनके साथ कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड है, बिकॉज इसके बाद वी हैव कर्मा एनर्जी। तो इनके कारण ना आपके पर्सन जो है वो नीचे गिर रहे हैं, रुक रहे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। कोई ना कोई इनकी पिछले जन्म से रिलेटेड साइकिल्स हैं जो आपके पर्सन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, और इन लोगों के कारण आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। बंधन है डेफिनेटली, कहीं ना कहीं नेगेटिव लोगों के बीच में है, नेगेटिव सिचुएशंस के बीच में है। ये भी नज़र आ रहा है कि इन्हीं नेगेटिव लोगों की बदौलत आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई है जो आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन रेडी हैं टू टेक डिसीजन क्योंकि इन्होंने वही करना है जो इन्होंने सोचा है। अगर इन्होंने आपके बारे में सोच लिया है, आपके बारे में निर्णय ले लिया है तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी लोग हैं जो पीछे इनको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ मैसेजेस आ जा सकते हैं, काफ़ी लोगों को उनके पर्सन की तरफ से कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है। लव लाइफ के अलावा अगर मैं बात करूं तो आज के दिन कुछ लोगों के पार्टनर किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में या पुलिस के मैटर में फंस सकते हैं, कोई ब्लेम लग जाना, या फिर ये बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पर आपको दिखेंगे, बिल्कुल अकेले शांत, जैसे किसी नदी के किनारे अकेले बैठे हों, या कोई ऐसा स्टेटस डालें जो कि बहुत लो एनर्जी का हो या बहुत सैड कोट्स हो। इसके अलावा आज के दिन अगर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है बट आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस वाइब्स में है, जैसे कि इनको खो देने का डर है, फियर है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग यू, ठीक है, या इनको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और ये अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल कोई नहीं है इनका साथ देने वाला, कोई नहीं है इनको बचाने वाला, इस तरह की वाइब्स है। और ऐसे में जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या हो रही हैं, इनको सिर्फ आपकी याद आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही हो जो इनको हील कर सकते हो, जो इनको ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट कर सकते हो और इनका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की आज की एनर्जी में ऐसा है जैसे किसी मंदिर में जा सकते हैं, पहाड़ों पर जा सकते हैं, पहाड़ की वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन किसी तरह का गिफ्ट आपके लिए बाय कर सकते हैं और ये सही समय आने पर आपको ये गिफ्ट देंगे। तो यहाँ पर कोई गिफ्ट या कोई जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है। अगर इनका आज कोई इंटरव्यू है या कोई इम्पॉर्टेंट डेट है तो यहाँ पर इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनके लिए जो एनर्जी है वो ऐसी है जैसे इनको आज के दिन लॉस हो सकता है। इनकी खुद की वाइब्स काफ़ी लो है तो ये खुद स्ट्रेस में रहेंगे तो ये कॉन्फिडेंटली उन सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाएंगे। इनके मन में बस ये है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, नेगेटिव सिचुएशंस को ख़त्म करना है और अपनी विशेस को फुलफ़िल करना है। ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, इनकी बस इतनी ही विश है। जब तक ये विश पूरी नहीं हो जाती इनकी एनर्जी थोड़ी लो मुझे नज़र आ रही है, इसीलिए काफ़ी लोगों के पर्सन आज रीच आउट करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे और इनके मैसेजेस या कॉल से आपको तो बहुत अच्छा लगेगा बट ये अगर सब चीज़ बता देते हैं आपको तब तो वेल एंड गुड, बट इनकी एनर्जी में ऐसा है जैसे खुलकर सब कुछ नहीं बता पाएंगे, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुँचा पाएंगे।
सो ये थी आज की एनर्जी, मिलते हैं इसके बाद, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।